वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शोमिक। तो गाइस मैं फाइनली आगे हुआ आप लोगों के रिक्वेस्ट पर जन्माष्टमी के ऊपर एक न्यू स्टाइल वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके, जो कि आप लोगों ने प्रीव्यू पर देख लिया होगा। तो गाइस आज का इस छोटा सा वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपने पसंद का फोटो को यूज करके प्रीव्यू को जैसा वीडियो बहुत ही आसान से बना पाओगे। तो सीखने के लिए जरूर इस छोटा सा वीडियो को पूरा देख लेना। और गाइस वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करता हूं। तो गाइस चलिए विलंबित करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो प्रीव्यू का जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी इन ऐप का जरूरत पड़ेगा, और ये ऐप आप लोगों को बहुत ही आसान से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास भी इन ऐप नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। देन भी इन ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके या फिर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोग ऊपर में वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप एक लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है, और इस लिरिक्स वीडियो का डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड करके पे सिलेक्ट कर लीजिए। देने पे लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को ओपन में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देने से आप लोगों को 10 फोटोज को सिलेक्ट करना है। और गाइस यहां पे मैं जो फोटो यूज कर रहा हूं, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, वहां से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस चलिए फटाफट 10 फोटोज के पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सारे फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो पे लिरिक्स वीडियो और फोटोज ऐड होके आ जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा खिसका के एकदम लास्ट पे जाना है। लास्ट पे आप लोगों को एक ब्लैक कलर लेयर मिलेगा जो ऐसा ऑटोमेटिक आ जाता है। सिंपली पहले इस लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करना है। देन आप लोगों को खींच करके फर्स्ट पोजीशन पर चले आना है। अब इधर से आप लोगों को सॉन्ग को ऐड करना है, तो उससे पहले डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। देन आप उस वीडियो का सॉन्ग को ऐड करने के लिए पहले खींच करके फर्स्ट पोजीशन पर चले जाइए। अब आप लोगों को ऊपर में यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ऊपर में माय म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। देन नीचे इंपोर्ट म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फिर वीडियो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग वीडियो के पे सिलेक्ट करके नीचे पे सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ओके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो उस वीडियो का जो सॉन्ग है पे एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। अब इस सॉन्ग के बगल में जो यूज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन इस सॉन्ग के ऊपर आप लोगों को टोटल 10 बिरबा को ऐड करना है। तो कहां पे ऐड करना है आप लोग साइड पे देख सकते हो, मैंने यहां पे टाइमर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट टाइमर आप लोगों को 5.92 सेकंड पर ऐड करना है। तो ये फर्स्ट टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींचकर पहले फर्स्ट टाइमर इनकी 5.92 सेकंड पर चले जाइए। तो फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो एक बिटमार्क ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप लोगों को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है, फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बिटमार्क को ऐड करना है। तो गाइस ये करने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये आप लोग जितना अच्छे तरीके से करोगे आपका वीडियो का आउटपुट उतना अच्छा होगा। तो थोड़ा सा टाइम लेके एक एक करके सारे बिटमार्क को ऐड कर लीजिए। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इस प्रोसेस से सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना। तो देने पर सारे बिटमार्क ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सॉन्ग यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। अब ये सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा केस का बिटमार्क की तरफ आ जाना है। देन नीचे टू फिंगर से थोड़ा सा जूम करना है ताकि आप लोगों को सारे फोटोज और बिटमार्क अच्छी तरीके से दिखने को मिले। अब आप लोगों को सॉन्ग के ऊपर जो सेकंड बिटमार्क है, सेकंड बिटमार्क के ऊपर क्लिक करके इस पोजिशन पर चले आना है। देन आपका जो नीचे फर्स्ट फोटो है, इस फर्स्ट फोटो लेयर के ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन इस तरीके से क्रॉप करने सेकंड बिटमार्क तक। फिर से आप लोगों को सॉन्ग के ऊपर नेक्स्ट बिटमार्क के ऊपर क्लिक करना है, नीचे नेक्स्ट फोटो के ऊपर क्लिक करके इसका भी ड्यूरेशन क्रॉप करना है नेक्स्ट बिटमार्क तक। तो इस तरीके से सारे फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप कर लीजिए, जिस तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूं। तो सारे फोटोज को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप करने के बाद लास्ट पर जो फोटो रहेगा इसका ड्यूरेशन जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर कर लेना। देन ऐसे जानकारी के कोई भी एक फोटो के ऊपर चले आना। अब आप लोगों को नीचे थर्ड नंबर पे एफएक्स नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस एफएक्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ऊपर में फोटो को खींच करके एकदम फास्ट पे ले आना है। देन आप लोगों को नीचे यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो ऐसे थोड़ा सा ढूंढ के आप लोगों को जीटल 02 इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो नीचे थोड़ा सा ढूंढ के यहाँ पे जीटल 02 इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। देन ऊपर में इसको खींच करके जितना दूर हो सके कर
कर लेना। देन नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना तो सारे फोटोज के भी इफेक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस ही फास्ट वीडियो के ऊपर भी ऐड हो जाएगा। तो वीडियो के ऊपर से इस इफेक्ट को हटाने के लिए पहले वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, नीचे फिर से थर्ड नंबर पर इफेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन नीचे जो इफेक्ट रहेगा इसको खींचकर एकदम फास्ट पर नॉन ऑप्शन रहेगा, इस नॉन ऑप्शन को सिलेक्ट करके नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो इस वीडियो के ऊपर से जो इफेक्ट हट जाएगा लेकिन सारे फोटोज के ऊपर रह जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। तो इस तरीके से सारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड करने के बाद आप लोगों को नीचे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहां पर आप लोगों को बहुत सारा छोटा छोटा प्लस ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसे कोई भी प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, देन आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे इफेक्ट खुल के आ जाएगा। अब इधर से थोड़ा सा खींच करके आप लोगों को लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन इसका जो ड्यूरेशन है इसको कम करके 0.2 कर लेना है, देन नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर ये इफेक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देन आप लोग देख सकते हो आपका जो वीडियो है वो प्रीव्यू का जैसा बनके तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे एक्सपोर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये वीडियो आपके गैलरी पर सेव हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग को पसंद आया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।